सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज 10 पीसी आपके विंडोज 10 लैपटॉप में आपके वॉइस कॉल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आप जो भी वॉइस कॉल यूज़ करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों मेरे पास है स्काइप, इसके अगर आपको कॉल रिकॉर्ड करना है तो इसको कैसे करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ये जो वॉइस कॉल्स को जो है दोस्तों, आप अपने ऑडेसिटी से इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी ऑडेसिटी एप्लीकेशन ओपन कीजिए आपके पीसी लैपटॉप में। ओपन करने के बाद, इस तरीके से ओपन करने के बाद दोस्तों, आप अपने टास्क बार में देख सकते हैं वॉल्यूम का आइकन, उस पर राइट क्लिक करके यहाँ से साउंड्स को ओपन करना है दोस्तों। इस तरीके से साउंड्स को ओपन करने के बाद रिकॉर्डिंग में जाना है। रिकॉर्डिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लैंक सरफेस है दोस्तों, उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं शो डिसेबल्ड डिवाइसेस, वो वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे स्टीरियो मिक्स, उस पर राइट क्लिक करके इनेबल कर लेना है। इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों, जस्ट ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने ऑडेसिटी में आइए दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में टॉप लेफ्ट साइड में उसको एक्सटेंड कीजिए। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है विंडोज WASAPI वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपको स्टीरियो रिकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों, आपकी जो सेटिंग है अभी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड बटन, अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो जस्ट रिकॉर्ड बटन पे क्लिक कीजिए। अभी आपकी रिकॉर्डिंग जो है दोस्तों स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आप अपना कोई भी वॉइस कॉल जो भी आप यूज़ करते हैं वो वाला एप्लीकेशन आप ओपन कीजिए, जो भी कॉल करना चाह रहे हैं आप उसको। अभी मैं फॉर एग्जांपल के लिए थोड़ा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कॉल बटन पे टैप कीजिए, आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है दोस्तों अभी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है तो दोस्तों, सॉरी कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है आपका कॉल कंप्लीट होने के बाद, तो जस्ट फिर से आपको आपके ऑडेसिटी एप्लीकेशन ओपन करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों स्टॉप का बटन, तो जस्ट स्टॉप पे क्लिक कीजिए। अभी आपका जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस है दोस्तों कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप इजीली ऑडेसिटी का यूज़ करते हुए आप अपने विंडोज 10 पीसी या लैपटॉप में कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये फाइल का अगर आपको आउटपुट चाहिए तो जो नॉर्मली करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ ऑडेसिटी के ऊपर। हमारे प्लेलिस्ट में इसका ट्यूटोरियल अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको इजीली जाके देख सकते हैं। तो जस्ट फाइल में जाइए, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट ऑडियो, उसमें जाइए। जाने के बाद आप अपना फाइल नेम दीजिए जो भी देना है, जैसे कि कॉल, और जस्ट सेव पे क्लिक कीजिए दोस्तों, और फिर से ओके पे क्लिक कीजिए। जस्ट ओके पे क्लिक कीजिए, आपकी जो फाइल है दोस्तों, आपने जो डेस्कटॉप, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया था, वो सेव हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं MP3 फाइल। तो बस दोस्तों, इस तरीके से आप अपना ऑडेसिटी यूज़ करते हुए आप अपने विंडोज 10 पीसी लैपटॉप पे कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक्चुअली वीडियो किसी सब्सक्राइबर के लिए था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो सब्सक्राइबर के लिए वर्क करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के रिलेटेड जो भी डाउट्स है, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।